आइए एक बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर की तरफ करते हैं। फोकस डब्बा ट्रेडिंग को लेकर चलाई गई जी बिजनेस की मुहिम का असर लगातार देखने को मिल रहा है और अब डब्बा ट्रेडिंग मामले में एक और गिरफ्तारी होती दिखी है। हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बताएंगे हमें कि क्या कुछ डेवलपमेंट इस पूरे मामले में होते दिख रहे हैं। सुबोध बताइए, क्या है जानकारी आपके पास? सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो डब्बा ट्रेडिंग को जिसकी मुहिम हम लोग ने चलाई थी, उस मुहिम में एक कदम और आगे पुलिस को सफलता मिली है कि पांचवी गिरफ्तारी हुई है। धीमंत गांधी नाम का ये सब ब्रोकर है जिसका मेन जो काम जो था, इस पूरी ट्रेडिंग का जो काम चला था अवैध तरीके से, उसमें इसका काम था कि लोगों को लुभाना और लालच में फंसा करके इसमें पैसा लगाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि 20 जून के करीब मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की थी जिसमें जतिन मेहता नाम का जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा था। उसके बाद तीन और लोगों को पकड़ा था जो सब ब्रोकर हैं। इसके अलावा ये चौथा सब ब्रोकर पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है, जो हमारे सूत्र हैं पुलिस में वो बता रहे हैं कि ये मामला सिर्फ मुंबई का ही नहीं है, मुंबई के अलावा ये गुजरात और दिल्ली तक इसके जो सूत्र हैं वो फैले हुए, संपर्क फैले हैं, तो उनकी जांच जो है उस लेवल पे भी जा रही है। निश्चित तौर पे इसमें और अभी गिरफ्तारियां होनी बाकी है और ये मामला और बड़ा हो सकता है। जी के तो पांचवी गिरफ्तारी होती हुई दिख रही है इस पूरे मामले में धीमंत गांधी नाम के शख्स की, ये जानकारी देते हुए सुबोध मिश्रा। तो एक के बाद एक पुलिस का एक्शन लगातार यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद सुबोध पूरी जानकारी देने के लिए और डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।